अगर आप एक पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर्स हैं और कनाडा में काम करना या परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी वीडियो सीरीज कनाडा इमिग्रेशन पाथवे फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स में एक और स्किल प्रोफाइल वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको कनाडा में पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर्स के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन अथवा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स, मीडियन तथा रिटायरमेंट एज, करियर स्कोप, विभिन्न प्रोविंसेस में पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर्स की करंट जॉब ओपनिंग्स और सबसे जरूरी फैक्टर एवरेज, मैक्सिमम तथा मिनिमम वीकली और आवली वेज रेट के बारे में बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इमिग्रेशन से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज अथवा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कनाडा में हर एक ऑक्यूपेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है। पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर्स की मुख्य जिम्मेदारियां होती है मशीनें चलाना, जो कागज और कार्डबोर्ड को काटती हैं, मोड़ती हैं, गोंद लगाती हैं या क्लिप करती हैं ताकि बक्से, कॉरिगेटेड कार्टन्स बनाए जा सकें। वे मशीनें चलाते हैं जो कागज को कार्डबोर्ड पर गोंद लगाती हैं और इसे आवश्यक लंबाई में काटती हैं। वे कागज को दबाने वाली मशीनें भी चलाते हैं ताकि ड्रिंकिंग कप्स और अन्य कंटेनर्स बनाए जा सकें। उनका काम वो मशीनें चलाना है जो कागज को काटती हैं, गोंद लगाती हैं और मोड़ती हैं ताकि एनवलोप्स या पेपर बैग्स बनाए जा सकें। वे अन्य पेपर कन्वर्टिंग मशीन्स भी चलाते हैं ताकि प्रोडक्ट्स जैसे कि पेपर ट्यूब्स, कार्ड्स, पेपर टाउल्स या डायपर्स बनाए जा सकें। वे मशीन को साफ और लुब्रिकेट करते हैं और अन्य रूटीन मशीन मेंटेनेंस करते हैं। कनाडा में हर ऑक्यूपेशन के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल की जरूरत निर्धारित है। इसके अलावा कुछ जॉब सेक्टर्स में काम करने के लिए लाइसेंसिंग अथवा अन्य सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत रहती है। तो आइए अब आपके प्रोफाइल के लिए जरूरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं। पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर्स के रूप में अपना करियर बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि पल्प और पेपर इंडस्ट्री तथा अन्य बड़े एम्प्लॉयर्स द्वारा सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई आवश्यक होती है। इसके अलावा उन्हें कुछ हफ्तों की ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। कंपनी के अंदर उसी काम के लेबरर के रूप में एक्सपीरियंस भी आवश्यक हो सकता है। किसी एक प्रोफाइल के लिए कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस में प्रोफेशनल्स की मांग कम या ज्यादा हो सकती है। प्रोफेशनल्स की यह डिमांड उस प्रोविंस में मौजूद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और संबंधित इंडस्ट्री सेक्टर्स के आकार पर निर्भर करती है। तो अब हम आपके प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स की संख्या के आधार पर प्रोविंसेस की लिस्ट देखेंगे। jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्ध कराए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार, इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट तक पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर्स के प्रोफाइल पर 59 जॉब ओपनिंग्स के साथ क्वेबेक लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि मैनिटोबा सिर्फ 21 जॉब ओपनिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। आपके प्रोफाइल से जुड़ी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स और उन्हें अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक को अभी क्लिक करें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जॉब फैक्टर की बात करेंगे, जो कि आपकी सैलरी या आवली वेज रेट से संबंधित हैं। jobbank.gc.ca के द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, हमने कनाडा में आपकी प्रोफाइल के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन वेज रेट का एनालिसिस किया है। तो आइए देखें कि ये आंकड़े आपके प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं। कनाडा में पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर्स हर घंटे औसतन 24 कैनेडियन डॉलर्स कमाते हैं।
इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक आपके प्रोफाइल के लिए कनाडा में मैक्सिमम वेज रेट 31 कैनेडियन डॉलर्स है और मिनिमम वेज रेट 13 कैनेडियन डॉलर्स है। पेपर कन्वर्टिंग मशीन ऑपरेटर्स के प्रोफाइल के लिए ऑन्टेरियो सबसे ज्यादा वेज रेट के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि नोवा स्कोशा सबसे कम वेज रेट देने वाला प्रोविंस है। इसके अलावा अगर आप कनाडा की सभी प्रोविंसेस की एक डिटेल्ड वेज वाइज रैंकिंग देखना चाहते हैं या फिर अपनी फेवरेट प्रोविंस में आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें। इमिग्रेशन पाथवेज। कनाडा में माइग्रेट होने के लिए कई वीजा ऑप्शंस तथा इमिग्रेशन पाथवेज उपलब्ध हैं। इन ऑप्शंस के जरिए स्किल प्रोफेशनल्स सीधे परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीजा या स्टडी वीजा प्राप्त करके कनाडा में सेटल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोफाइल से संबंधित वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक कंसल्टेंसी सेशन बुक करें। हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हर प्रकार की इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ एक वन स्टॉप ऑनलाइन इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेशंस, असेसमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग, एम्प्लॉयर सर्च, LMIA फाइलिंग, वर्क वीजा फाइलिंग तथा PR फाइलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर किसी भी तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कनाडा में सेटल होने की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंस्ड माइग्रेशन एडवाइजर के साथ एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल तथा आपके मौजूदा सर्कमस्टांसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। तो अपने प्रोफाइल पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी ही एक्सपर्ट सेशन जरूर बुक करें। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट मैनपावर को हायर करने और उनके LMIA एप्लीकेशन या वर्क वीजा की फाइलिंग करने के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी। इमिग्रेशन से संबंधित ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।